हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्रोकन माइंड गेमर में। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे डिस्काउंट इवेंट के बारे में, और गाइस बहुत बड़े बड़े इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, और गाइस हमारा इलाइट एंड्रू क्यों नहीं आया और कब आएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहूँगा, भाई लोग जो चैनल पर नए हैं वो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइस सबसे पहले हमारी अपडेट निकल के आ रही है, हमारा जब सीज़न चेंज होगा तो गाइस हमें कौन सी शर्ट देखने मिलेगी। तो गाइस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वीडियो, तो गाइस ये हमारी ऐसे ही कुछ शर्ट होने वाली है। सो गाइस ये शर्ट देख सकते हो, गाइस काफ़ी ओपी ऐसी लग रही है। गाइस ऐसी शर्ट देनी चाहिए थी पहले भी। तो गाइस ये वाली शर्ट काफ़ी ओपी है। तो गाइस अगला सीजन आप हीरो जाओगे कि नहीं ये कमेंट में बताना। और गाइस ये शर्ट काफ़ी ओपी है, तो इसके लिए एक लाइक बनता है। सो गाइस ये आपको कैसा लगा कमेंट में भी ज़रूर बता देना। सो गाइस आपको मैं दिखा देता हूँ हीरोइक का एक और पोस्टर निकल के आया है, जिसमें गाइस आपको पूरा रिवॉर्ड भी देखने मिलेगा, कौन सा बैनर देखने मिलेगा, और एक नया बंडल आएगा अपने वो रैंक टोकन के एक्सचेंज में, वो भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो गाइस ये पूरा चार्ट निकल के आ रहा है कि हमारे अगले सीज़न का क्या क्या आने वाला है। तो गाइस आपको ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। सो गाइस अगली अपडेट हमारी निकल के आ रही है, हमारे एक और नई फीस्ट की स्किन। तो गाइस आपको स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा होगा, तो गाइस ये हमारी कुछ नई फीस्ट स्किन होने वाली है। गाइस ये काफ़ी ओपी दिख रही है। गाइस आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस ये वाली स्क्रीन क्या मालूम किस इवेंट में आएगी, जैसे ही पता चलेगा मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। सो गाइस आपको ये वाली अपडेट कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। सो गाइस अगली अपडेट हमारी निकल के आ रही है, इलाइट एंड्रू क्यों नहीं आया। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, इलाइट एंड्रू अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि गाइस वो हमारा जो FFCS का जो हमारा अभी इवेंट होने वाला है बहुत ही बड़ा, तो गाइस उसी इवेंट में आपको देखने मिलेगा। तो गाइस आपको कैसे देखने मिलेगा, जैसा हमारा KO नाइट भाई हमारा इवेंट चल रहा है ना, वैसा ही एकदम प्लेटफॉर्म देखने मिलेगा। तो गाइस मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, तो गाइस इस तरह से कुछ हमारा इलाइट एंड्रू का आएगा। सो गाइस ये काफ़ी ओपी बहुत ही बड़ा होने वाला है इवेंट, बहुत ही बड़ा होने वाला है गाइस, तो इसी इवेंट में आएगा ये। तो गाइस अभी थोड़े दिन के बाद ही ये इवेंट स्टार्ट होने वाला है, तो गाइस आपको तभी देखने मिलेगा जैसे हमारा KO नाइट इवेंट चले जाएगा, जैसे आपको दूसरे दिन या तीसरे दिन पे ये देखने मिल जाएगा। तो गाइस आपको ये अपडेट कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना। सो गाइस अब बात कर लेते हैं हमारे रमज़ान इवेंट के बारे में। तो गाइस हमारे रमज़ान इवेंट का पोस्टर इंडिया के ऑफिशियल चैनल पे आ गया था, तो गाइस इस बार रमज़ान इवेंट कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। तो गाइस आपको ये कैलेंडर दिख रहा होगा, तो गाइस ऐसा ही कुछ हमारा रमज़ान इवेंट हमारे इंडिया में भी आ सकता है। तो गाइस ये दूसरे सर्वर का है, क्या मालूम भाई मैं नाम भूल गया उसका, लेकिन गाइस ऐसा ही कुछ हमारे इंडिया में भी देखने मिलेगा। तो गाइस आपको कुछ एक्सचेंज टोकन ऐसा ही कुछ इवेंट में देखने मिलेगा, कोई लॉगिन इवेंट में मिलेगा, और गाइस ऐसा ही कुछ मिशन कंप्लीट करने पे या फिर टोकन के बदले मिलेगा, और गाइस मैजिक क्यूब मेरे ख्याल से लॉगिन करने में मिलेगा। तो गाइस मैजिक क्यूब भी देंगे, तो देखते हैं भाई ये इवेंट कब तक आता है। भाई जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है उस इवेंट में। सो गाइस अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे होगे तो गाइस आपको इसका मतलब अच्छा लग रहा है। सो गाइस एक लाइक ज़रूर ध्यान से कर देना भाई, एक लाइक और सब्सक्राइब, और अपने एक दोस्त में शेयर कर दो, बस भाई इतना ही करना है। तो भाई एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना भाई, एक जन को सिर्फ। सो गाइस अगले सीज़न का हमारा इलाइट पास भी निकल के आ रहा है। तो गाइस आप बोलोगे कि अभी हमारा एक और मई का इलाइट पास आया, तो भाई इतनी जल्दी अगला इलाइट पास कैसे। तो गाइस मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी दिखाया था दो इलाइट पास, तो गाइस उसमें से एक आ गया है, तो गाइस अगला कंफर्म हो गया है कि वही आएगा। सो गाइस आपको वीडियो दिखा दे रहा हूँ, तो गाइस ऐसा ही कुछ हमारा होने वाला है। दोनों मैं मेन बंडल सिर्फ दिखा रहा हूँ, तो गाइस वैसे में वीडियो बहुत लंबी हो जाती थी। तो गाइस आप दोनों मेल और फीमेल बंडल देख सकते हो, मेन वाले एकदम जो है वही मैं बंडल दिखाया हूँ। तो गाइस अगला ये हमारा इलाइट पास होने वाला है, तो गाइस आप लोगों की नहीं ये कमेंट में ज़रूर बताना, और गाइस आपको ये कैसा लगा ये इलाइट पास ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस अगली अपडेट हमारी निकल के आ रही है ईवो M10 के बारे में। तो गाइस ईवो M10 आप देख सकते हो कैसे दिखती है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये ईवो M10, और गाइस उसके साथ में ही हमारा एक बैकपैक भी आने वाला है भाई, तो उसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले आप देख लीजिए कि हमारा M10 कैसा होने वाला है। तो गाइस दो मिनट रुक जाइए, पहले आपको बैकपैक दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। और गाइस ये देख सकते हो लूट बॉक्स भी आ रहा है भाई अपने ये M10 का, उसके ही यार थीम पे वेस्ट होने वाला है पूरा।
और गाइस अगला हमारा निकल के आ रहा है M10 भाई। तो आप जैसा कि देख सकते हो ये हमारा M10 है। सो गाइस देख सकते हो क्या ही लुक है इसका और लेवल 1 पे ऐसा दिखेगा। और कैसा लगा आपको ये कमेंट में ज़रूर बताना। गाइस काफ़ी ओपी स्किन है, आई तो आप निकालोगे कि नहीं ये भी ज़रूर बताना। और गाइस मुझे तो लगता है ये फिटेड व्हील में नहीं तो कहे वेब इवेंट में ही आएगा। तो गाइस जैसे ही पता चलेगा किस इवेंट में आएगा तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। सो गाइस आप पूरा देख सकते हो हमारा M10 कैसा दिखने वाला है। तो गाइस वो था हमारा इफेक्ट कैसा दिखता था और ये फायरिंग। और गाइस ये हमारा डेथ इफेक्ट है, जब आप किसी बंदे को किल करोगे तो ऐसे ही कुछ मर जाएगा वो इस तरीके से ही। और गाइस ये हमारा इसका इमोट होने वाला है गाइस, कुछ इस तरीके से हमारा M10 का इमोट होगा। तो गाइस देख सकते हो काफ़ी ओपी है। और गाइस ये इमोट देख सकते हो यार काफ़ी डेंजर सा दे रखे है भाई, काफ़ी ओपी स्किन होने वाली है भाई, एकदम लेजेंडरी। और गाइस अनाउंसमेंट कैसा करेगा किल का आप देख सकते हो गाइस, इस तरीके से रहेगा कुछ। और गाइस इसके एट्रीब्यूट्स चेंज होंगे लास्ट लेवल पे, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो गाइस पहले लेवल पे ऐसे दिखेगी, फिर दूसरे लेवल पे ऐसी, तीसरे पे ऐसी और चौथे पे ऐसी दिखेगी। और फिर देख सकते हो गाइस कैसे दिखती है। सो गाइस आप देख सकते हो चौथे लेवल पे कैसी है। और भाई आप पाँचवें पे देख लीजिए और गाइस छठे पे देख लीजिए कैसे दिखती है भाई, अभी तो काफ़ी ओपी दिखने लगी है भाई। और देख सकते हो लास्ट लेवल पे सिर्फ एट्रीब्यूट्स मेरे ख्याल से चेंज हो जाते हैं और आपको इमोट देखने मिलेगा और न्यू लुक एकदम। तो गाइस आपको ये इवेंट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। गाइस कभी तक आएगा इसका तो पता नहीं है, लेकिन भाई जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा कि किस इवेंट में आने वाला है। तो गाइस बहुत ही ओपी स्किन होने वाली है। तो गाइस आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस हमारी लास्ट अपडेट निकल के आ रही है हमारे डिस्काउंट इवेंट के बारे में। गाइस डिस्काउंट इवेंट हमारा जो है वो 2-3 महीने से नहीं आया है लगातार। तो गाइस इस महीने आपको चांसेस तो है कि आपको डिस्काउंट इवेंट देखने मिलेगा। सो गाइस 22 या 24 तारीख तक आप वेट कर लो, तब भाई आप इलाइट पास खरीद लेना 25 तारीख तक के या फिर 22 तारीख तक के। तो गाइस 22 या 24 को ही हमारा फाइनल डेट निकल के आता है मिस्ट्री शॉप या फिर कोई अदर हमारा जो रहता है इलाइट पास का डिस्काउंट इवेंट। तो गाइस जब तक आप वेट कर लो, सो गाइस जब तक आप वेट कर लो ना, तो भाई आपके फोकट का डायमंड उड़ जाते हैं 500 और गाइस सबको डिस्काउंट में मिल जाता है। तो गाइस ऐसा ही 2-3 जन के साथ मेरे दोस्तों के साथ हुआ है, वो 500 में खरीद लेते हैं इलाइट पास। तो गाइस बाद में 1-2 इलाइट पास जो डिस्काउंट में आ जाते हैं तो गाइस उनके तो यार डायमंड वेस्ट हो जाते हैं। तो गाइस 24 या फिर 22 तारीख तक के रुक के थोड़ा आप इलाइट पास खरीदा करो ताकि पता चले। तो गाइस आपको ये फोटो दिख रहा होगा, इस तरीके से भी हमारा कोई इवेंट आ सकता है जिसमें आपको डायमंड भी मिल सकते हैं। और गाइस इसमें तो मेरे को भाई एक बार 1 स्पिन पे डायरेक्ट 99 डायमंड मिला था जो हमारे इंडिया में आया था एक बार। सो गाइस इसके थोड़े से चांसेस बन रहे हमारे इंडिया में आने के। सो गाइस आपको ये वीडियो आज की कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, खत्म, बाय बाय।